जबलपुर में पीड़ित परिजनों ने एसपी कार्यालय में ग्रामीण एएसपी सूर्यकांत शर्मा को जांच के लिए लिखित आवेदन प्रस्तुत किया। गौरतलब है कि जबलपुर में अवैध रेत खनन को लेकर गौसलपुर थाना अंतर्गत पूर्व में 3 की मौत हुई थी। लिखित पत्र में बताया गया कि रंजीत सिंह ठाकुर ने बताया कि अंकित तिवारी रेत माफिया मुरम आदि का काम करता है। मेरे लड़के को जबरदस्ती FIR में नाम जुड़वाया गया है, जो कि सरासर गलत है। धर्मेंद्र उर्फ चिंटू ठाकुर तीर्थ यात्रा में गया था। घटना होने के बाद वह वापस लौटा। उसका नाम कैसे जुड़वाया गया, जिसके लिए जांच हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है और जांच की मांग की गई है। रेता निकालते के समय पे वहाँ ऊपर का ढी गिरने से 3 आदमियों की मृत्यु हो चुकी थी। इसमें उनमें अंकित तिवारी का ट्रैक्टर लगा हुआ था और उस ट्रैक्टर से अंकित तिवारी वहाँ का हकदार था। मेरा बेटा उस समय यहाँ पे हाजिर नहीं था, तीर्थ करने गया था। मेरा बेटा 6 तारीख को आया, 2 दिन तक पेपर में उसका कोई नाम नहीं था। तीसरे दिन ज़बरदस्ती में नेता लोगों ने उसका नाम उसमें एडजस्ट कर दिया और उसके ऊपर पेश है। ग्रामीण पुलिस अधीक्षक महोदय को एक शिकायत दी है और पूर्व में जो एक घटना घटी थी दिनांक 5/6/2024 को, जिसमें रेत खनन के संबंध में 3 लोगों की डेथ हो गई थी। उसमें मुख्य आरोपी थे, अभी जो जानकारी मिली है मेरे को, मुख्य आरोपी अंकित तिवारी करके थे। वो मंडल अध्यक्ष हैं सिहोरा के, BJP से। तो उन्होंने जो है शायद ये कहा है कि उनका नाम पृथक हो रहा है, तो उसकी ये शिकायत करने आए हैं कि इनके बेटे का नाम जो है रंजीत के जो बेटे हैं धर्मेंद्र उर्फ चिंटू, उनका नाम गलत तरीके से जोड़ा गया है। गोसलपुर में पिछले दिनों एक नदी में खदान धसकने से कुछ लोगों की मृत्यु हो गई थी, तो उसमें एक आरोपी चिंटू ठाकुर के पिता आए थे। उनका कहना है कि मेरा लड़का उसमें शामिल नहीं है और उन्होंने ऐसा एक लिखित आवेदन पत्र पेश किया है। उस आवेदन पत्र को निष्पक्ष जांच हेतु, साक्ष्य संग्रहण हेतु थाना प्रभारी गोसलपुर को निर्देशित कर दिया गया है और अगर ऐसा कोई साक्ष्य पाया जाता है तो निश्चित रूप से उसमें समुचित